हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक फ्रॉम विनायक क्लासेस। तो बच्चों, कल का वीडियो कैसा लगा? आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं उनसे मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आज मैं जो पढ़ाऊंगा अगर वो तुमको अच्छे से समझना है तो कल का जो मैं वीडियो आप लोगों को सेंड किया था कि मेरे यूट्यूब चैनल आप लोग सर्च कर लेना पार्ट वन बोल के तो आ जाएगा। ठीक है, वो जाके पहले देख लो, फिर ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये एन का ये कहाँ गया रे? हाँ, ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन में रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करना है। तो तुम लोग को पता ही होगा कि नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन एक ऐसा लाइन होता है जिसका बीच में क्या आएगा, आपका जीरो आएगा। अगर हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर आएगा। आई होप ये तो आपको पता ही होगा, आप लोग ये क्लास सिक्स से पढ़ते आए हो। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट की बात करते हैं कि रेशनल नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ पे? नंबर लाइन पे। ठीक है, तो थोड़ा कल का थोड़ा रिविजन कर लेते हैं कि पहले बताओ कि रेशनल नंबर एक्चुअल में क्या होते हैं। जो नंबर आपका पी बाय क्यू के फॉर्म होते हैं, और पी एंड क्यू बोथ आर क्या होते हैं हमारा? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। तो लेकिन q क्या होगा? फॉर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे कि 3/2, ये 3 क्या है? इंटीजर है। 2 क्या है? इंटीजर है। इसका मतलब क्या? ये रेशनल नंबर है। जैसे कि तुम लोग मेरे को अगर पूछोगे कि सर अगर 2/0, ठीक है, यहीं पे 2 भी तो एक इंटीजर है, 0 भी तो एक इंटीजर है, क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं है सर जी, क्यों नहीं है? इसमें क्या लिखा हुआ है? q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 3/2, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं क्या 3/2, इसको हमको क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम लोग जैसे कि 3 को अगर 2 में डिवाइड करेंगे तो पहले कितना में जाएगा? 2 1 2, 3 - 2 = 1। तो हम 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 1 2, ऐसे लिख सकते हैं 1 1 2। मतलब ये इसको ये फिर क्या कैसा होगा? 2 × 1 + 1/2, 2 1 + 2 + 1/2 = 3/2। ये पता है? तो देखो और एक बार, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, मैंने लिखा 2 × 1, ये 1, ये इसका जो मल्टीप्लाई का जो वैल्यू आएगा ना उससे ऐड हो जाएगा प्लस 1, मतलब 2 + 1 नीचे जो है ना वही रहेगा। तो 3/2 हो गया कि नहीं हुआ? चलो फिर और एक चीज बताता हूं तुम लोगों को। ठीक है, तो 3/2 का मतलब क्या? हम लोग क्या लिखेंगे? 1 1/2। ठीक है, 2 1 + 2 + 1 = 3/2। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कहां पे? कहां पे करेंगे भाई? नंबर लाइन पे करेंगे। ठीक है, कहां पे करेंगे? नंबर लाइन पे करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें दो चीज है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये क्या है हमारा? इंटीजर। हाँ या ना? 1 इंटीजर है कि नहीं? हाँ या ना? देखो नेक्स्ट क्या है? 1/2 हमारा क्या है? ये क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तुम लोग इसको बोल सकते हो क्या? कल जो पढ़ाया था विद डेसिमल बोल सकते हो ना? तो देखो, तो 1 + 1/2 को हम और भी क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/2 क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/2। यही पे एक शॉर्टकट ट्रिक आप लोगों को बताता हूं, क्या है कि देखो ये जो है ना, ये जो है इसके बाद ही ये आएगा। समझ में नहीं आया? देखो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया 0। ठीक है, मैंने क्या बोला, इस अगर यही प्लेस पे अगर जो डिजिट होगा और जो इंटीजर होगा उसके बाद ही ये वाला डिजिट आपका आएगा। कहाँ पे? नंबर लाइन पे आएगा। जैसे कि ये हो गया कहाँ क्या हमारा? 1। ये हो गया हमारा क्या? 2। ये हो गया हमारा क्या? 3। ठीक है, ये हो गया ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देखो, ये इसमें क्या है? 1 है। तो जो
ये जो है हमारा जो फ्रैक्शनल नंबर है, ये नंबर लाइन पे कहां पे आएगा भाई? वन के बाद ही आएगा। कहां पे आएगा? वन के बाद ही आएगा। तो ये पे जीरो है, ये वन है, मतलब क्या? वन के बाद आएगा, हाँ या ना? तो नीचे क्या है? टू है, तो वन और टू को हम डिवाइड कर लेते हैं दोनों पार्ट पे, हाँ या ना? तो ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया, तो वन बाई टू ये आएगा, ठीक है। तो थ्री बाय टू यहाँ पे हो गया, थ्री बाय टू यहाँ पे हो गया। फिर अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स कर लो और एक बार चेक कर लो, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो छोड़ो, और एक कहानी बताता हूँ तुम लोगों को। हाँ, इसको रहने देंगे या नहीं? रहने देंगे कि नहीं? रहने देंगे कि नहीं? हाँ छोड़ो, क्या करेंगे ये रख के, ठीक है। देखो जरा देखो और क्या होगा है। हाँ, जैसे कि और एक है, सिक्स बाय फाइव। तो अगर हम अगर इस साइड में कर लेते हैं, सिक्स को अगर फाइव में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? पहले वन पे जाएगा, हाँ या ना? फाइव वन जार फाइव, माइनस हुआ तो वन आया। तो हम लोग यहीं पे क्या लिख सकते हैं भाई? क्या लिख सकते हैं? वन वन फाइव। तो इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा इसका मतलब? वन के बाद ही आएगा। क्या आएगा? वन के बाद ही आएगा। क्या आएगा? वन और टू के बीच में आएगा सिक्स बाय फाइव। चेक कर लो, ये देखो हो गया जीरो वन टू थ्री, ठीक है। तो मैं क्या बोला था, यहीं पे जो इंटीजर आएगा कि जो डिजिट आएगा, ये टोटल नंबर ना इसके बाद ही आएगा, बोला था कि नहीं? तो फाइव, तो वन और टू के बीच में फाइव डिवाइड कर लेते हैं, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर। अरे बाबा छोटा हो गया रे, तो छोटा हो गया रे, इस फोर फाइव, इसको टू कर लेते हैं, ठीक है, इसको टू कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेना, गलती हो गया भाई, ठीक है। तो क्या होगा? वन टू थ्री फोर फाइव। तो सिक्स बाय फाइव कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा बोल के दिखाओ मेरे को। यहीं पे आएगा, यहीं पे। वन बाय फाइव है ना, ऊपर में वन है ना, तो पहला होगा ना, तो सिक्स बाय फाइव ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर अब तो बोल रहे हो कि ये सिक्स बाय फाइव, इसका पहले कह रहे कि ये होगा थ्री बाय फोर। सर अगर नेगेटिव नंबर आए तो वो कैसा होगा? अरे भाई रुको थोड़ा, मैं बताऊंगा तेरे को, टेंशन लेने का नहीं है भाई। देखो ये इतना समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया ना, एक काम कर लो, वीडियो को थोड़ा रिवर्स कर लो, ठीक है। चलो और एक नेगेटिव का तुम लोग को बताता हूँ कि वो क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। देखो 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 देखो, अभी अब हम क्या करते हैं कि एक माइनस का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि माइनस थ्री बाय फोर। क्या हुआ? माइनस थ्री बाय फोर। तो देखो ये फोर क्या थ्री में डिवाइड होगा? सॉरी, थ्री क्या फोर में डिवाइड होगा? नहीं होगा। होगा क्या? नहीं। अरे हाँ देखो, अभी और एक एग्जाम्पल लेते हैं माइनस के ऊपर, जैसे कि माइनस थ्री बाय फोर। अरे सर ये क्या हो गया? ये तो फोर तो थ्री से छोटा है, आप तो हर टाइम बड़े बड़े लेते हैं। तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ ना। तो पहले देखो यहीं पे चेक कर लो कि क्या थ्री फोर से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। थ्री फोर में कभी भी डिवाइड नहीं होगा, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जीरो माइनस थ्री बाई फोर लिख सकते हैं कि नहीं? डिवाइड तो नहीं होगा ना? हाँ डिवाइड तो नहीं होगा। तो क्या हुआ? जीरो माइनस थ्री बाय फोर। तो चेक कर लो यहीं पे क्या है? जीरो है, तो इसका मतलब क्या? जीरो के बाद ही आएगा, हाँ या ना? यह है नंबर लाइन, ये जीरो है, लेकिन ये किस तरफ आएगा भाई? माइनस है ना, तो माइनस की तरफ आएगा। ये देखो ये वन है और यहीं पे टू है, तो वन टू, वन टू थ्री फोर हो गया ना, हुआ आगे नहीं? ये तो ये सॉरी ये माइनस वन है रे, ये माइनस टू है,
ठीक है, ये जीरो है, जीरो के इस तरफ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये जीरो है ना, जीरो को इस तरफ ही आएगा ना, क्योंकि इसमें माइनस लगा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वन टू थ्री फोर, इसको हम चार पार्ट में डिवाइड कर लिए। तो ये क्या है, ऊपर में थ्री है ना, तो ये है थ्री, वन टू थ्री, ये होगा क्या आपका माइनस थ्री बाय फोर। अभी तो समझ में आया ही होगा, आया तो चेक कर लो और एक बार, समझ में नहीं आया तो फिर बताऊंगा। और एक चलो एग्जांपल लेते हैं, और क्या लेंगे एग्जांपल, हमारा एक एग्जांपल बोल के दिखाओ, जैसे कि माइनस माइनस क्या लेंगे रे, मेरे को तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, क्या लेंगे, हाँ चलो कर लेते हैं माइनस सेवन बाय फोर। ठीक है, माइनस सेवन बाय फोर, तो ये देखो क्या होगा, ये जाएगा, हाँ भाई जाएगा, कहाँ जाएगा, डिवाइड होने जाएगा। तो फोर वन जा फोर, नीचे आ गया थ्री, तो क्या हो गया वन वन थ्री बाय फोर, इतना होगा। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा हैंडराइटिंग पढ़ने के लिए ट्राई करना। ठीक है, वन थ्री फोर देखो, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस थ्री बाय फोर, यही तो लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या है, वन है, इसमें वन है, तो इसका मतलब क्या, सॉरी ये ऐसा नहीं होगा रे, ये माइनस होगा रे, मैं ऊपर में नहीं दिख रहा हूँ, और ठीक है ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वन माइनस थ्री बाय फोर, तो ये देखो कहाँ पे आएगा भाई, वन के बाद ही आएगा, मतलब माइनस वन के इस तरफ आएगा। जैसे कि नंबर लाइन यही है, जीरो ये है, माइनस वन ये है, माइनस टू यही है, तो थ्री बाय फोर माइनस वन के इस तरफ आएगा। तो इसको कर लेते हैं क्या, वन टू थ्री फोर हो गया ना, लेकिन है क्या, ऊपर में थ्री है, तो ये वाला होगा क्या आपका माइनस सेवन बाय फोर। समझ में आया कि नहीं आया, मेरे को तो लग रहा है आप लोगों को आया होगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या आपका माइनस सेवन बाय फोर, लिख लो ये पहले। ठीक है, और एक चीज क्या है कि हम लोग यही तरीके से और क्या बोल सकते हैं कि दोनों रेशनल नंबर के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं। क्या दोनों रेशनल नंबर के बीच में हम लोग इन्फाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं? अरे सोच रहे होगे, अरे सर ये क्या बोल रहे हो, आपको पता है क्या इन्फाइनाइट का मतलब क्या है? हाँ भाई पता है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। कैसे होगा मैं बताऊंगा अभी, इतना तो पहले लिख लो। देखो यहीं पे क्वेश्चन है क्या, फाइंड फोर रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। ठीक है, हमको क्या करना है, चार ठो रेशनल नंबर निकालना है, किसके किसके बीच में, फोर थ्री एंड फोर के बीच में। डरना मत, थ्री एंड फोर के बीच भी इनफाइनाइट नंबर है, मैंने अभी तो बोला हूं। तो देखो बताता हूं कैसे होगा, इसके लिए तीन ठो मेथड है। कितना मेथड, तीन ठो मेथड है। तो हम लोग पहले करेंगे क्या, मेथड वन। ठीक है, मेथड वन करेंगे। मेथड वन में क्या है कि आर प्लस एस बाय टू, अगर ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे तो दोनों रेशनल नंबर के बीच में, सॉरी दोनों इंटीजर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो यहीं पे R क्या है और S क्या है। ठीक है, इसमें कितना डिजिट है, दो डिजिट है, एक है हमारा 3 और एक है हमारा 4। अगर हम 3 को R ले सकते हैं और 4 को अगर हम S लेंगे। हाँ तुम लोग बोलोगे कि सर हम R को क्यों, सॉरी 4 को क्यों R नहीं लेंगे। हाँ भाई लेने से कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तुम्हारा मर्जी, तुम क्या लेना चाहते हो तुमको पता है भाई। ठीक है, तो देखो पहला क्या, 3 प्लस 4 बाय 2, तो क्या होगा 7 बाय 2। ये हो गया हमारा क्या, एक रेशनल नंबर हो गया। हमको कितना ठो निकालना है भाई, 4 ठो निकालना है। तो देखो ये हमारा क्या, 0 1 2 3, ये भी क्या है 4 है, हाँ या ना,
जीरो वन टू थ्री फोर, तो बीच में क्या आ गया, बीच में आ गया क्या हमारा 7/2 आ गया। ठीक है, बीच में हमारा 7/2 आ गया। अभी कैसे निकालेंगे सोच रहे होगे ना। देखो अगर मैंने 7/2 को s लिया और r 3 को लिया तो अच्छा हमको क्या करना है, पहले सोचो हमको क्या करना है। 3 एंड 4 के बीच में 4 ठो रेशनल नंबर निकालना है, बस इतना ही तो करना है। देखो मैंने एक नंबर निकाल लिया, ठीक है, अगर यहीं पे अगर एक नंबर है तो वो क्या है, 3 एंड 4 के बीच में ही तो है, हाँ या ना, बीच में ही तो है। तो मैं अगर r को 3 लूंगा और 7/2 को s लूंगा बाय 2, हाँ या ना, 3 × 2 = 6, 7 + 6 13/2 = 13/4। इसका मतलब क्या, इसके बीच में क्या आएगा और एक 13/4 आ गया, हाँ या ना, अभी समझ में आया होगा, हाँ कि नहीं। देखो हमको कितना ठो निकालना है भाई, 4 ठो निकालना है, 2 ठो हुआ है और 2 ठो हम निकालेंगे, ठीक है। और एक क्या करेंगे हम लोग, 7/2 को r लेंगे और 4 को s लेंगे, ठीक है। कहाँ लिखूं, इसको थोड़ा हटाता हूँ, इसको थोड़ा हटाता हूँ, क्वेश्चन लिख लो, क्या क्या बोला मैंने, 7/2 को r लेंगे, 7/2 + s कितना है 4/2 = 4 × 2 = 8, 7 + 8 कितना होगा 15/2 / 2 = 15/4। ये हो गया हमारा क्या, ये दो नंबर था, ये हो गया हमारा नंबर 3। तो इसका मतलब यहीं पे क्या है 15/4, हाँ या ना। कितना ठो नंबर आ गया भाई, 3 ठो आ गया, हमको कितना निकालना है, 4 ठो निकालना है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे क्या करता हूँ कि 5/4 को r लेता हूँ एंड 4 को s लेता हूँ तो क्या होगा, 5/4 + 4/2 = 4 × 4 = 16 + 5 = 21/4 / 2 = 21/8। इसका बीच में और एक नंबर आ गया क्या, 21/8, कितना ठो नंबर हुआ, ये नंबर 4 है, हाँ या ना। इसमें कुछ डाउट है, कुछ डाउट है क्या, इतना आसान है। एक काम कर लेते हैं और एक एग्जांपल कर लेते हैं, तुम्हारा दिमाग में घुस जाएगा एकदम, रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है, पूरा समझना है, अच्छे से पढ़ना है और लाइफ में आगे जाना है, ठीक है। देखो और एक एग्जांपल करते हैं, और एक एग्जांपल देखो करते हैं क्या कि 4 और 5 के बीच में, ठीक है, 3 ठो रेशनल नंबर निकालेंगे। तो मैं क्या बोला था, तुम्हारा जो फॉर्मूला लिखा था क्या, r + s / 2, मतलब क्या 4 + 5/2 = 9/2, ये हो गया एक, ठीक है। और एक फिर क्या करते हैं, r को 9/2 लेते हैं और s को 5 लेते हैं, ठीक है, 9/2 + 5/2, 5 × 2 = 10, 10 + 9 = 19/2 = 19/4, नंबर 2, ठीक है। हमको कितना ठो निकालना है, 3 ठो। और एक क्या करते हैं कि 4 को r लेते हैं और 9/2 को s लेते हैं, 9/2 = 2 × 4 = 8, 8 + 9 = 17/2 =, ये रे चल क्यों नहीं रहे थे, हाँ 17/4 हो गया, 3 ठो, समझ में आया, हाँ। ये हुआ तुम्हारा क्या, मेथड 1। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मेथड नंबर 2, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो मेरे को आप लोग कमेंट करके बता सकते हो और डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, वहीं पे तुम लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो तुम लोग को कुछ होमवर्क देता हूँ मैं, नंबर 1 6 और 5, नंबर 2 -3 और -2, नंबर 3 9 और 8, नंबर 4 -2 और -1, नंबर 5 3 और
थ्री एंड टू दिया हुआ है क्या? नहीं है। अच्छा एक काम कर लेते हैं, थ्री एंड फोर कर लेते हैं, नहीं थ्री एंड फोर तक ये है ना, थर्टीन एंड फोर्टीन कर लेते हैं। ठीक है, पहला वाला क्या है, सिक्स एंड फाइव, उसके बाद माइनस थ्री एंड माइनस टू, उसके बाद नाइन एंड एट, उसके बाद माइनस टू एंड माइनस वन, उसके बाद थर्टीन एंड फोर्टीन। यही सारे नंबर है, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच तो नंबर है। ये नंबर के बीच में तुम लोगों को एटलीस्ट फाइव ठो रेशनल नंबर तुमको निकालना है। कितना निकालना है? पांच ठो निकालना है, मतलब सिक्स एंड फाइव के बीच में फाइव निकालना है, फिर माइनस थ्री माइनस टू के बीच में फाइव निकालना है। यही तो फॉर्मूला है क्या मेथड नंबर वन में, आर प्लस एस बाय टू। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे को आप मैसेज करके बोल सकते हो कि सर ये सही है कि गलत है। सॉरी बोल कैसे सकते हो यार, भेज सकते हो। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे को आराम से पूछने का, डरने का कोई जरूरत नहीं है, बिंदास रहने का, बिंदास पूछने का, बिंदास पढ़ने का, लाइफ में आगे जाने का, यही मेरा स्टाइल है। तो अच्छे से थोड़ा पढ़ लो, फिर लाइफ में बहुत आगे जाना है भाई। ठीक है, रखता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। ठीक है।